इसराइल गाजा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस बीच खबर ये है कि ईरान समर्थित हमास के साथ अब एक और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी जुड़ गया है। इसराइल के रक्षा मंत्री के हवाले से एक रिपोर्ट में शनिवार को कहा गया कि हिजबुल्लाह ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो इसके लिए भारी कीमत चुकाएगा। इसराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि लेबनानी आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह हाल ही के दिनों में उत्तरी इसराइल में इसराइली सैन्य स्थानों, सैनिकों और इसराइली कस्बों को निशाना बनाते हुए अपने मिसाइल, रॉकेट और शूटिंग हमले कर रहा है। अब की तुलना में चुनौतियां ज्यादा होंगी और किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में दक्षिणी लेबनान में इसराइली सेना और हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप और सहयोगी फिलिस्तीनी गुटों के बीच बार बार झड़पें देखी गई हैं। ऐसे में इसराइल को इस बात की आशंका है कि एक नया मोर्चा खोला जा सकता है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। 15 साल के लेबनानी गृह युद्ध की अराजकता के दौरान स्थापित ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इसराइल का धुर विरोधी होने के साथ ही मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों के लिए खूब आक्रामक भी है। वैश्विक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के अपने इतिहास के साथ हिजबुल्लाह अमेरिका और कई अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में लिस्टेड भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।